खबर आगरा से है, जहाँ थाना सदर बाजार के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पिछले दिनों प्रॉपर्टी डीलर एडवोकेट हरीश पचौरी की हत्या का अभियुक्त विष्णु प्रकाश रावत की 24 करोड़ 51 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। मौके पर एसपी सिटी पी रोहन बोत्रिम मौके पर मौजूद रहे। हत्या में शामिल 8 अभियुक्तों को 308 के मुकदमे में जेल भेजा गया। तो वहीं हरीश पचौरी के हत्याकांड का मुख्य आरोपी विष्णु रावत पूर्व में भी भूमाफिया हत्या और कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। सदर क्षेत्र में करीबन 6-7 महीने पहले हरीश पचौरी जो एडवोकेट हैं उनका दिन दहाड़े उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। उस पूरे जो षड्यंत्र था उसका पर्दाफाश किया गया, 7-8 लोगों को उसमें जेल भेजा गया और उसमें जो मुख्य अभियुक्त है विष्णु प्रकाश रावत जो है वो और उनके जो ब्रदर हैं उनके इन लोगों की उनके उनके अगेंस्ट गैंगस्टर का मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। सभी लोगों के अगेंस्ट गैंगस्टर का मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया था। 14-1 की जो गैंगस्टर की कार्रवाई होती है उसमें रिपोर्ट प्रेषित पुलिस द्वारा की गई थी और उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें आदेश किया गया है आज कि इनकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाए, जब्तीकरण इनका किया जाए। तो हम लोग इस जब्तीकरण की साइट पे है। लगभग 6 प्रॉपर्टीज़ विष्णु प्रकाश रावत की यहाँ पे जब्तीकरण का आदेश हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसके तहत ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। कुल जो अनुमानित इसकी कीमत है लगभग 25 से 26 करोड़ रुपए की इसकी कीमत है, जिस प्रॉपर्टी का जब्तीकरण आज किया जा रहा है। देखिए, जो संपत्ति अभी हमारे पास जो कुर्की का आदेश आया है उसको कुर्क किया जाएगा, कोई भी संपत्ति इसमें से बेची नहीं गई है।